हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करंटली हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को देख सकते हैं। ये आज के क्लोजिंग से लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में मूव कर रहा है। इस वजह से कल हमें मोस्टली एक साइडवेज ट्रेंड नहीं तो डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसलिए हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि कल डाउनसाइड में मूव कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है बायोकॉन लिमिटेड। आज हमें इस स्टॉक में लगभग 6.5% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। इस स्टॉक ने 554 पे अपना इंट्राडे लो बनाने के बाद 557.85 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो यहाँ पे हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवाप लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ साथ ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कॉल को जनरेट कर रहा है। इस वजह से कल हमें इसमें एक फर्दर एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को कल सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें अरविंदो फार्मा में लगभग 3.4% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। इसने आज 789 पे अपना इंट्राडे लो बनाने के बाद 799.3 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम इसके ऑर्डर बुक पे सेलर साइड में 18,588 स्टॉक्स को देख सकते हैं। इस वजह से कल ये डाउन साइड में ओपन हो सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और व्यूअप लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल को देख पा रहे हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक सेल कॉल को जनरेट कर रहा है। इसलिए कल ये फर्दर डाउन साइड में मूव कर सकता है। तो आप इसे भी कल सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें जी एंटरप्राइजेस में लगभग 3.6% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। इसने 416.65 पे अपना इंट्राडे लो बनाने के बाद 418.45 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके केस में इसके वीवाप लेवल्स को काफी ऊपर देख सकते हैं। इस वजह से इसमें डाउन ट्रेंड कल भी जारी रह सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम अभी भी इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवाप लेवल्स पे एक बेयरिश सिग्नल को जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी अभी भी एक बेयरिश सिग्नल को जनरेट कर रहा है। इसलिए कल आपको इसमें फर्दर एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप इसे भी कल सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में लगभग 8.14% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। इसने आज 493 पे अपना इंट्राडे लो बनाने के बाद 499.8 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके ऑर्डर बुक पे 5518 स्टॉक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके वीवाप लेवल्स को भी काफी ऊपर देख पा रहे हैं। इस वजह से आज का जो डाउनसाइड है वो कल भी कंटिन्यू रह सकता है, जिस वजह से आपको कल इसमें फर्दर एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को देख सकते हैं। ये अपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवाप लेवल्स पे अभी भी एक सेल कॉल को जनरेट कर रहा है। इसके साथ साथ हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में अभी भी एक बेयरिश सिग्नल को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको कल इसमें एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को भी कल सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज मार्केट डाउनसाइड में ओपन होने के बाद हमें दिन भर इसमें मोस्टली एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला और फाइनली निफ्टी ने 23 पॉइंट्स नीचे 11,724.75 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक को अपसाइड में मूव करता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को इसके करंट क्लोजिंग लेवल से लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में मूव करता हुआ देख पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इसमें कोई भी मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए कल हमें मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट या फिर एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। हम इसके फॉरेक्स मार्केट में करेंटली इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले 69.385 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। ये अपने 5 मिनट के कैंडल्स पे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट कर रहा है। इस वजह से कल ये लेवल ऊपर की ओर मूव कर सकता है। निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट में आज हम एक बुलिश कैंडल को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। ये अपने 9 डेज के ईएमए लाइन के ऊपर आज अपना क्लोजिंग दे रहा है।
इसलिए कल हमें अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग ओपन होता है तो हमें इसमें फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके आरएसआई लेवल में अब हम एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं, इस वजह से इसमें कोई भी अपसाइड आपको कल मेजरली देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 11,700 के लेवल्स पे 8.59 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे आपको 13 लाख 95,000 से भी ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। इसलिए आप कल के लिए 11,700 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद आप कॉल साइड में 11,800 के लेवल्स पे 11,56,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे आपको 16,55,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से आप कल के लिए 11,800 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम निफ्टी की तरह ही एक बुलिश कैंडल को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अपने 21 डेज के ईएमए लाइन के जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दे रहा है। तो कल अगर ये अपने 21 डेज के ईएमए लाइन के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 29,500 के लेवल्स पे 2.31 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 2.94 लाख से भी ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम कल के लिए 29,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। इसके बाद हम करंटली कॉल साइड में 30,000 के लेवल्स पे 3.18 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 4.71 लाख कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। इसलिए हम कल के लिए 30,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे देख सकते हैं।